पोलैंड वर्क परमिट वीजा, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैसन, हेल्पर, सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग जॉब्स। सैलरी 5000 जिलोटी, सैलरी 1200 यूरो, 3 महीने में वीजा, इंडिया के अकॉर्डिंग सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए महीना, और पता नहीं क्या क्या एडवर्टाइजमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर घूम रही है, जिसमें इनोसेंट बोले बाले लोग जो है वो आसानी से फंस जाते हैं और फ्रॉड एजेंट्स का शिकार हो जाते हैं। सो आज की वीडियो स्पेशली इस तरह की अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट के बारे में है। सो एक्सपोज करेंगे ऐसी डील्स का, साथ चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB में। पोलैंड के रिगार्डिंग बहुत से व्यूज के सवाल आते हैं कि सर हमें कोई एजेंट पोलैंड का वर्क परमिट वीजा दे रहा है, बोल रहा है कि आप 5 लाख रुपए दीजिए आपका वीजा हो जाएगा, आप 8 लाख दे दीजिए आपका वीजा लगवा देंगे। बहुत से इनोसेंट लोग तो इसके लिए लाखों रुपए इन एजेंट्स को दे भी चुके हैं, लेकिन डियर आपको फाइनल बात क्लियर कर दें कि लाखों रुपए से वीजा नहीं होता है। इसके लिए एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी मैटर करती है, उनकी योग्यता मैटर करती है, आपके केस की स्ट्रेंथ मैटर करती है, आपका वीजा होना है या नहीं होना है। वीजा ग्रांट करने वाले वीजा कॉन्सुलेट के पास आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है, उनकी जो सिर्फ ऑफिशियल फीस होती है वो 80 यूरो अप्रोक्स होती है, जो कि इंडिया के मात्र 7000 रुपए होते हैं। बाकी का पैसा ये फर्जी एजेंट्स खा जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में तो आपका केस जो है ये वाले लोग प्रोसेस भी नहीं करते हैं, आपको फर्जी डिमांड लेटर, फर्जी ऑफर लेटर, फर्जी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फर्जी वर्क परमिट पेपर दिखा के ही आपसे लाखों रुपया ठग लिया जाता है। आप अपनी या अपनों की मेहनत की कमाई इन ठगों के हाथ में सौंप देते हैं, जो आपको झूठे सपने दिखा के आपका पैसा और कीमती टाइम बर्बाद कर देते हैं। सो ऐसी डील से, ऐसे एजेंट से और ऐसी एडवर्टाइजमेंट से आपको बच के रहना है। रियलिटी की बात करें तो अनसील्ड कैटेगरी में पोलैंड की सक्सेस रेशियो बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है अनऑथेंटिक एम्प्लॉयर। बहुत सी डमी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पेपर इश्यू करवाने के लिए इनोग्रेट की गई हैं, जिनके किसी ना किसी तरह एम्प्लॉयमेंट पेपर तो इश्यू हो जाते हैं बट वीजा नहीं होता है। बाकी जो 3 महीने 4 महीने में वीजा का दावा करने वाले एजेंट्स हैं, उनको अच्छे से पता है कि पोलैंड BFS में अपॉइंटमेंट का कितना बड़ा इश्यू चल रहा है। केस सबमिट करवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बट ये फर्जी एजेंट्स लोगों को फंसाने के लिए एक के ऊपर एक झूठ बोलते चले जाते हैं। सैलरी की बात करें तो एक डोमेस्टिक हेल्पर जिसे 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी पोलैंड लेबर लॉ के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सैलरी एनुअली 40,975 पॉलिश जिलोटी है। इंडियन करेंसी INR में कन्वर्जन करें तो ये 7,60,970 रुपए के आसपास बनती है। ये एनुअली सैलरी है, पूरे साल की सैलरी है, मींस के महीने का अप्रोक्स 63,414। बट ये एजेंट फ्रेशर हेल्पर को 1 लाख 1.5 लाख सैलरी बता के सिर्फ फंसा लेते हैं। सो ऐसी डील्स, ऐसे एजेंट से बच के रहिए। या तो आप अपना केस खुद अप्लाई कीजिए या फिर किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए, कभी भी ऐसी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट में ना फंसिए। ऑथेंटिक वे में केस प्रिपेयर करने में आपका जो है टाइम जरूर थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट आपको सारे फैक्ट जो है वो क्लियर होंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके अपने फंडिंग और अपने करियर को बेटर वे में मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे फर्जी एजेंट्स की बातों में आकर ना तो आपका वीजा ग्रांट होना है और साथ ही आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होने वाले हैं। सो अप्लाई करने से पहले प्रोसेस को अच्छे से समझ लें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, और किसी भी जानकारी के लिए आप दी हुई ईमेल या व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी बिजी टाइमिंग की वजह से कई बार आंसर करने में टाइम लग जाता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।